प्राचीन गौरवमय भारत की झलक होगा ओंकारेश्वर का एकात्म धाम। ओंकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान स्थली है। ये वही स्थान है जहां से अद्वैत दर्शन की शिक्षा प्राप्त करके उनके जीवन की महायात्रा आरंभ हुई थी। मूल रूप से उसी अद्वैत दर्शन के लोकव्यापीकरण की दिशा में एकात्मधाम को वैश्विक स्तर पर एक विराट धुरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आचार्य शंकर के समय ओंकारेश्वर अद्वैत वेदांत का प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र रहा है, जहां केरल से 8 वर्ष की उम्र में शंकर आए थे। गुरु गोविंद भगतपाद के निकट उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया था। एक बार फिर ओंकारेश्वर की भूली बिसरी सनातन प्रतिष्ठा लौट रही है। केंद्र, राज्य, CSR फंड और साधु संतों के सहयोग से लगभग 2200 करोड़ रुपए यहां विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। योजना प्रारूप के अनुसार उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर और महेश्वर सर्किट पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बने। 108 फीट की प्रतिमा आचार्य शंकर के बाल रूप की 108 फुट ऊंची मूर्ति बेहद दूर से दिखाई देगी। प्रतिमा के लिए प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों के माध्यम से धातु, ती और जल एकत्रित किया गया था। प्रतिष्ठित L&T कंपनी द्वारा प्रतिमा का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। आशा की जाती है कि प्रतिमा का लोकार्पण इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर हो जाएगा। कौन थे शंकराचार्य के गुरु? भगवत गोविंद पाद, जिनको शंकर जैसे प्रतिभासंपन्न और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कार्य में लगे महापुरुष ने अपना गुरु बनाया, कौन थे? वेदांत तत्वज्ञान का स्रोत वेद मंत्र है। इसको संसार के समक्ष प्रकट करने वाले महर्षि बादरायण थे। महर्षि ने अपने पुत्र एवं शिष्य शुकदेव मुनि को ही ज्ञान प्रदान किया। शुकदेव ने भी शंकराचार्य की भांति बचपन से ही संन्यास ले लिया था। वे जीवन पर्यंत इस वेदांत प्रधान वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे। बद्रिकाश्रम में उन्होंने अनेक शिष्यों को इसकी शिक्षा दी। शुकदेव के उपवर्ष और गौड़पाद नामक 2 शिष्य हुए। गौड़पाद ही शंकराचार्य के गुरु थे। गौड़पाद दक्षिण भारत के रहने वाले थे। बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वे जीवन में कोई महान कार्य करें, अतः वे महर्षि पतंजलि के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। अनुशासन भंग करने के संदेह में महर्षि पतंजलि ने गौड़पाद को तिरस्कृत करते हुए अभिशाप दिया, जाओ किसी योग्य शिष्य को ढूंढकर महाभाष्य पढ़ाना। जब तक तुम किसी को पढ़ाओगे नहीं, तब तक महाभाष्य तुमको याद रहेगा। मैं अब किसी को महाभाष्य नहीं पढ़ाऊंगा। गुरु को प्रणाम करके क्षुब्ध मन से गौड़पाद वहां से चले। घूमते घूमते उज्जयिनी के पास उनको एक व्यक्ति मिला। उसे देखकर गौड़पाद का मन बरबस उसकी ओर खींच गया। उन्हें विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति है जिसकी वह इतने दिनों से खोज कर रहे हैं। उसका नाम चंद्र शर्मा था। उसके मन में व्याकरण पढ़ने की तीव्र अभिलाषा थी। गौड़पाद ने उसे ग्राम व्याकरण पढ़ाया। उसके पश्चात वे हिमालय में श्री बद्रिका आश्रम को चले गए और शुकदेव मुनि से वेदांत धर्म की शिक्षा लेकर गौड़पादाचार्य हो गए। शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद इन्हीं गौड़पादाचार्य के शिष्य थे। प्राचीन पुस्तकों से पता चलता है कि गोविंदपाद ही चंद्र शर्मा थे। आइए एक बार चर्चा करते हैं एकात्मधाम की। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के इस विशाल परिसर में 7 केंद्र बनेंगे, जो भारत भर के वास्तु और स्थापत्य कलाओं पर आधारित होंगे। इस विशाल परिसर में आकर पूरे भारत की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव होगा। सभी केंद्रों को आचार्य शंकर के गुरु और प्रथम 4 शिष्यों की स्मृति को समर्पित होंगे। शंकर संग्रहालय, 108 फुट ऊंची प्रतिमा के निचले भूभाग पर आचार्य शंकर की महान जीवन यात्रा पर केंद्रित संग्रहालय बनेगा। इसमें आम श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों के लिए माया थिएटर सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होगा, जहां 3D होलोग्राम एवं अन्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से ब्रह्म, सृष्टि, माया, जीव एवं जगत आदि सिद्धांतों को कथानक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिमा के ठीक निचले भाग में एक ध्यान केंद्र होगा, जहां गहन मौन में ओंकारेश्वर की ऊर्जा का अनुभव जिज्ञासुजन कर पाएंगे। इस अंदरूनी परिसर की विशाल दीर्घाओं में भारत भर की समस्त कलाओं के जरिए आचार्य शंकर का जीवन चरित्र प्रस्तुत होगा। इनमें देश भर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों और कलाकारों का योगदान चित्रों और भित्ति चित्रों में दिखाई देगा। हाई स्क्रीन थिएटर, यहां बड़ी स्क्रीन पर आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित निर्माणाधीन 40 मिनट की फिल्म दर्शकों को दिखाई देगी। अद्वैत नौक विहार संग्रहालय के निम्न भूतल में स्थित होगा। नौक विहार नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से आरंभ होकर अंत भरूच की खाड़ी में समाप्त होगा। ये नौक विहार स्वचलित नौकाओं के माध्यम से होगा। नर्मदा के दोनों तटों पर अद्वैत वेदांत परंपरा में शंकराचार्य के पूर्ववर्ती और परवर्ती विभिन्न संतों स्थानों को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। अन्नपूर्णा,
संग्रहालय में आने वाले दर्शकों के लिए अन्नपूर्णा में लगभग 300 से 500 लोगों के भोजन की बैठक व्यवस्था भवन के भीतर की जाएगी। भवन के बाहर भी लगभग 500 लोगों की भोजन बैठक व्यवस्था होगी। ये सुविधा और रुचि के अनुसार पारंपरिक एवं आधुनिक शैली दोनों में होगी। अद्वैत कलाग्राम, देश भर के लोक एवं क्षेत्रीय शिल्पों के प्रदर्शन तथा विक्रय हेतु ये केंद्र विकसित होगा। अद्वैत वन, ओंकारेश्वर की हरियाली को और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से स्थानीय मौसम और टी के अनुरूप वृक्षारोपण का प्लान भारतीय उद्यान विशेषज्ञ कर रहे हैं, ताकि हर खाली कोने में हरियाली विकसित हो और यह पूरा संस्थान सघन वन से घिरा हुआ दूर से दिखाई दे। सपरिवार आने वाले सामान्य पर्यटकों के लिए भी इस एकात्म धाम में भारत का परिचय देने के लिए बहुत कुछ होगा। हैंगिंग ब्रिज, ओंकारेश्वर में इस संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन नर्मदा के दोनों तरफ हो रहा है। अन्नपूर्णा आश्रम के ऊपर गोधरपुरा इलाके NVDA गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान स्थापित होगा और नदी के पार माधाता पर्वत पर आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित होगी। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए दोनों पहाड़ियों के बीच तीसरा ब्रिज स्थापित किया जाएगा। अभी नर्मदा नदी के घाटों को ऊपर से जोड़ने वाला पुराना एवं नया हैंगिंग ब्रिज है।